La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. इस बारे में तो दो और दो चार की तरह बिल्कुल ये बात वाज़ह है कि इस्लाम में मौसीकी जायज नहीं है। उसके बहुत सारे दलाइल हैं। पहली दलील कुरान मजीद की आयत है, वमिनन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह। लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जो लहवल हदीस, लहव लाइब की बात खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह से गाफिल कर दें। और इसके बारे में बड़े बड़े सहाबा से सही सनद से साबित है कि इससे मुराद गाना बजाना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो बाज़ मुशरिकीन ने गाने बजाने का इंतजाम किया तो उससे क्या हुआ कि लोग ताकि कुरान न सुने, आप एक तरफ किसी कारी को बिठा दें और वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे, दूसरी तरफ कोई गाना लगा दें तो गाने की तरफ लोगों की तवज्जो ज्यादा जाती। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब। मौसीकी इंसान को कुरान से गाफिल करती है। यकीन ना आए तो तजर्बा करके देख लेना, एक दफा कारी को बिठा दे, तिलावत सुनो और किसी को गाना लगा दे किसी का, तो आप देखें गाने में तो आप बस में गाना लगता है कैसे सर धुनना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि गानों की सुरें होती हैं और उसमें ऐसा उतार चढ़ाव होता है कि उसमें इंसान को लज्जत, जो जाहिरी लज्जत है वो बहुत हासिल होती है। तो इस गाने बजाने से इंसान गाफिल होता है, अल्लाह की याद से भी, कुरान हदीस से भी गाफिल होता है और अच्छे कामों से भी गाफिल होता है। अगर कोई गुलूकार अच्छे अच्छे काम भी कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये फिर इसको तो गानों ने गाफिल नहीं किया। एक चीज जो बुनियादी, जिस चीज की बुनियाद इसके लिए, तो अगर वक्ती तौर पर उसका कोई फायदा भी हो रहा हो ना वक्ती तौर पर, तो उस वक्ती फायदे को देखकर कभी उमूमी कायदा और कानून नहीं बनाया जाता। ये उसूल शरीयत का असल मौसीकी में जो एक सिफत रखी गई है वो ये है कि गफलत पैदा करना इंसान, अच्छे कामों से दूर कर देना इंसान। दूसरी बात यह कि यह दलील अगर किसी के समझ में नहीं आती, अव्वल तो आनी चाहिए, कुरान की आयत है, उसकी तफसीर में सहाबा के अकवाल हैं। दूसरी बात यह कि हदीस में आता है, तिर्मिजी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है कि कुर्ब क्यामत में गाने बजाने के आलात बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपने क्यामत की निशानियों में से यह निशानी बताई कि मेरी उम्मत में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शक्लें बंदर और खिंजीर की बना दी जाएंगी, सुअर की शक्लें, और जमीन में धसने का अमल भी होगा, जलजले भी आएंगे और तूफान भी आएंगे। आपने फरमाया कि ये निशानियां उस वक्त जाहिर होंगी जब गाने बजाने के आलात भी ज्यादा हो जाएंगे और गाने बजाने वालियां भी ज्यादा हो जाएंगी। तो ये सही हदीस है तिर्मिजी की, माजिफ के अल्फाज है, माजिफ गाने बजाने के आलात को कहते हैं। जाहिर है आला खुद तो नहीं गाता ना, वो तो मौसीकी को यहां माजिफ से ताबीर किया गया, जो मौसीकी के आलात है। तीसरी बात यह, वालेकुम सलाम, तीसरी बात यह कि अगर मौसीकी की इस्लाम में गुंजाइश होती तो मौसीकी की धुने एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हर एक की तवज्जो जाती है, हर एक की तवज्जो। ये एक इंसान को वक्ती तौर पर रिलैक्स करने का एक सस्ता और बेहतरीन आला है, वक्ती तौर पर इंसान इससे रिलैक्स हो जाता है। जैसे शराब पी के वक्ती तौर पर फिटफाट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा वो अलग बात है, उसके पर नताइज आहिस्ता आहिस्ता भयानक निकलते हैं। तो मौसीकी सुन के भी वक्ती लज्जत बहुत हासिल होती है और वक्ती लज्जत की जितनी भी चीजें हैं उनको हर दौर के इंसान ने इख्तियार किया है, हर दौर के इंसान ने। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हर कौम में मौसीकी का रिवाज रहा है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है कि उन्होंने कोई एक बांसुरी बजाई हो मौसीकी के लिए। तो अगर इस्लाम में इसकी इजाजत होती तो ये तो ऐसी मरहूब चीज है कि 1,24,000 से ज्यादा सहाबा, उनमें कोई तो मौसीकी का इस्तेमाल करता रिलैक्स होने के लिए, शराब पीते थे वो लोग, जब इस्लाम ने मना किया छोड़ दी। और इस्लाम और पहले गाने बजाने वालियां भी होती थी। गजवा बदर में क्या हुआ है, गजवा बदर में जब अबू जहल आया है लश्कर को लेके तो बाकायदा मौसीकी के आलात भी लाया और नाचने वालियां भी अपने साथ लाया, सब नाचे गाए और जो उनका एक फंक्शन था उन्होंने किया लड़ाई से पहले ताकि कौम में जोश पैदा हो। सहाबा कराम में से किसी ने ये काम नहीं किया। तो जिस चीज का दाइया मौजूद हो फिर भी वो काम ना किया जाए तो ये इसकी अलामत होती है कि इस काम पर पाबंदी लगी हुई है। समझ रहे बात को, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे देखो खाने का शौक तो हर एक को है या नहीं है, लिहाजा हम सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं, रात भी खाते हैं, जब भूख लगेगी खाएंगे।
لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کوئی غیر مسلم آئے دیکھے کہ یار یہ نہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں نہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں نہ شام کی چائے پی رہے ہیں کچھ پیش کرو ان کے سامنے تو بھی نہیں کھاتے تو وہ کیا کہے گا لگتا ہے کہ ان پر کوئی پابندی لگی ہوئی اب کوئی اسے نہ بھی بتائے نا کہ پابندی ہے پھر بھی وہ کہے گا بھائی پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے شوق تو ان کو بھی ہے ضرورت تو ان کو بھی ہے پھر بھی یہ نہیں کھا رہے سارے کے سارے نہیں کھا رہے تو لگتا ہے اگرچہ میں نے سنا نہیں گئی لیکن یقیناً پابندی ان پر لگی ہوئی ہوگی تبھی ضرورت کے باوجود نہیں کھا رہی تو اگر ہمارے پاس بالفرض کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے کوئی بھی حدیث نہیں ہے موسیقی کے حرام ہونے پر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کا اتنا طویل دور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی صحابہ کرام کا اتنا طویل دور کوئی ایک صحابی حالانکہ دل موسیقی کی طرف ہر ایک کا مائل ہوتا ہے جو بھی بشر ہوگا تو اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی نے ایک بانسری تک کا استعمال کیوں نہیں کیا اس کی علامت ہے کہ ان پر پابندی لگی ہوئی تھی اور وہ انہی آیات اور ان حدیث کو پابندی سمجھتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو جائز قرار دینے والے اور حقیقت یہی ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آواز بہت خوبصورت تھی اس لیے ان کی آواز کو موسیقی کی دھنوں سے بعض لوگ تعبیر کر دیتے ہیں جیسے موسیقی کی دھنیں ہوتی ہیں نا جھوم جاتا ہے آدمی تو بعض لوگوں کی آواز بڑی شاندار ہوتی ہے تو داؤد علیہ السلام کو تو معجزہ ہی آواز کا دیا گیا تھا اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ پرندے ان کی آواز سن کے ٹھہر جایا کرتے تھے اور جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے انسان اور جنات کھڑے ہو کر سنتے تھے تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ وہ کوئی بانسری لے کے بیٹھتے تھے یا کوئی موسیقی بجاتے تھے یہ پیغمبر کی بہت بڑی توہین ہے پیغمبر پر بہت بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ اس کی سے حفاظت فرمائے اور بھی اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے تو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے جنت میں انشاءاللہ موسیقی بھی سنوائیں گے سارے سرور بھی وہاں پر جو ہے نا ہوں گے انشاءاللہ اس دنوں کے لیے چھوڑ دیں باقی یہ کہ موسیقی اچھی لگتی ہے وہ فطرت ہے انسان فطرت ہے فطرت کا مطلب یہ کہ جو بھی سر والی آواز ہوگی اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے محمد رسول اللہ